अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, अपराधी की छवि या फिर औसत की संपत्ति, सभी में राजद आगे। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है उस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और लगातार विश्लेषण कर हम आपको इसकी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े और इस बार विधानसभा में पहुंचे एमएलए से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे सबसे अमीर विधायक, सबसे गरीब विधायक, औसत संपत्ति, दोबारा जीते हुए विधायक और आपराधिक छवि, इन सभी में किस पार्टी का वर्चस्व है। नाम एक ही है, राजद। हर क्षेत्र में बस राजद ही राजद। इस बार के चुनाव में आरजेडी भले ही सरकार नहीं बना पाई लेकिन ऊपर से नीचे तक केवल उसका ही राज है, वो भी एक छत्र राज। हमने जैसे कि एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि सबसे अमीर विधायक कौन है, मोकामा के अनंत सिंह जो कि राजद के टिकट पर इस बार चुनाव लड़े थे, वो बिहार विधानसभा के सबसे अमीर विधायक हैं। लेकिन किसी व्यूअर ने हमसे कहा था कि सबसे गरीब विधायक भी बताइए कि कौन है सबसे गरीब विधायक, तो उसकी भी हमने पूरी छानबीन करके निकाली है और वो भी राजद के ही निकले। राजद के अलौली से विधायक हैं रामवृक्ष सदा, वो हैं सबसे गरीब विधायक। उनकी कुल संपत्ति महज 72,000 रुपये है। वहीं अनंत सिंह की कुल संपत्ति जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में जानकारी दी है उसके अनुसार 68 करोड़ रुपये है। तो ये है अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, दोनों में आरजेडी का है वर्चस्व। अब हम बात कर लेते हैं औसत संपत्ति के मामले में। औसत संपत्ति में भी राजद के उम्मीदवारों का बोलबाला है। राजद के 75 उम्मीदवारों की अगर औसत संपत्ति निकालें तो प्रति विधायक 5.92 करोड़ रुपये हो रही है, जो कि सबसे सर्वाधिक है। वहीं दूसरे नंबर पर जदयू है, जिसके 43 जीते हुए उम्मीदवार विधायकों में से औसत संपत्ति मतलब प्रति विधायक 4.17 करोड़ रुपये है। वहीं तीसरे नंबर पर इस सूची में बीजेपी है, जिसके 74 विधायकों में से औसत संपत्ति यानी प्रति विधायक 3.56 करोड़ रुपये है। तो इसमें भी बीजेपी ने बाजी मार लिया है। वहीं अब बात करते हैं दोबारा जीते हुए 96 विधायकों की, यानी कि जो 2015 में भी जीते थे और इस बार भी जीते हैं, उनकी संख्या है 96। उनकी औसत संपत्ति में 67% की इजाफा हुई है, यानी कि 67% उनकी संपत्ति बढ़ गई है। लेकिन इसमें भी आरजेडी के विधायकों की संपत्ति सर्वाधिक बढ़ी है। राजद के दोबारा जीते हुए विधायकों की संपत्ति 100% से ज़्यादा बढ़ी है। इस क्रम में बीजेपी दूसरे नंबर पर उसके दोबारा जीते हुए विधायकों की संपत्ति में 72% का इजाफा हुआ है। वहीं तीसरे नंबर पर इस सूची में जदयू है, दोबारा जीते हुए विधायकों की संपत्ति में जदयू के 55% का इजाफा हुआ है। वहीं अगर बात कर लेते हैं अब आपराधिक छवि वाले विधायकों की, तो इस बार सभी ने आपराधिक छवि वाले विधायकों को टिकट दिया और लगातार लगभग आपराधिक छवि वाले ही विधायक आपके विधानसभा में पहुंचे हैं। उनकी संख्या 163 है। तो आपराधिक छवि वाले विधायकों की सूची में भी राजद सबसे आगे है। राजद के 75 विधायकों में 54 विधायक आपराधिक या दागी छवि के हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके 74 विधायकों में से 47 विधायक आपराधिक छवि वाले हैं। कांग्रेस के 19 में से 16 और वाम दल CPI-ML के 12 में से 8 विधायक आपराधिक छवि वाले हैं। वहीं अगर बात करें जेडीयू के, तो जेडीयू के 43 जीते विधायकों में से 20 विधायक आपराधिक और दागी छवि वाले हैं। वहीं इस बार इतिहास रचने वाली AIMIM पार्टी का भी आपराधिक छवि में सर्वाधिक बोलबाला रहा है, इसका प्रतिशत तो 100 रहा है। 5 AIMIM के विधायक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीते और 5 के 5 आपराधिक छवि वाले नेता हैं। सब पर किसी न किसी कारण कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ ही है। तो ये है बिहार विधानसभा का खेल इस बार, जो जनता ने आपने चुनकर विधानसभा में पहुंचाया है। तो किसका क्या हाल है उसकी जानकारी दे रहे थे अमीर विधायक सबसे आरजेडी के, गरीब विधायक रामवृक्ष सदा आरजेडी के, सर्वाधिक संपत्ति औसत मामले में आरजेडी, दागी
सर्वाधिक विधायक आरजेडी। तो हर जगह आरजेडी ही आरजेडी, यानी राजद का बोलबाला, बस सरकार नहीं बन पाया। तो ये था हाल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के। एडीआर की रिपोर्ट पर लगातार विश्लेषण हम करते रहेंगे, जानकारी आप तक पहुंचते रहिएगा, पहुंचते रहेगी, बस बने रहिएगा हमारे साथ और आपका सहयोग लगातार हमें चाहिए होगा, तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे और मन से और दिल से काम कर पाएंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल HS बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।